थी, फिर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट यहाँ आ जाते हैं, तो वी हैव 3-4 बेड्स हियर यहाँ, और हम हमेशा जवान नजर आए। हाँ, उसके लिए कुछ चीजें हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ये, मुझे लग रहा है किसी कॉस्मेटिक ब्रांड। ये बिल्कुल आप सही समझी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैर खैरियत से हो, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। आज मैं जिस जगह आई हूँ, अभी आपको वो जगह दिखाऊंगी, एक सेलिब्रिटी है जिन्होंने एक नया वेंचर लाहौर में शुरू किया है, उनसे मिलवाऊंगी। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आप उनको जानते हैं शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से, हम एक दोस्त की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से भी जानते हैं, और वो डॉक्टर भी हैं। वो कौन है और आज मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ, आ जाए मेरे साथ। जी तो हम इस वक्त क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ज़रा एक कैमरे पे घुमा के आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत माहौल है, पेशेंट्स की वेट कर रहे हैं और ज़बरदस्त लाइटिंग है, इस तरफ भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है। लेकिन चले पहले ज़रा डॉक्टर साहिबा से मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर साहिबा हैं कौन, जिनका मैं इतनी देर से जिक्र कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक, आए जरा आपसे कुछ बातें करते हैं और फिर एक विजिट तो लाजमी ला। जरूर आपकी क्लिनिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक, या 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 या, और आई हैं और आती रहेंगी ताकि हमारी मुलाकात चलती। मैं पिछले 1 साल से लाहौर आई। सबसे अच्छी बात यह कि आप लाहौर आती रहेंगी तो हम मिलते रहे और अब मैं हर वीक आऊंगी लाहौर। वंडरफुल वंडरफुल। तो शाइस्ता ये बताएं कि ये इतना देर से लाहौर आने का क्यों ख्याल है? नहीं फरा, कराची में इतनी मसरूफ हूँ, 3 ब्रांचेस बल्कि इंशाल्लाह और ब्रांचेस तो कराची में हो रही हैं, तो वहीं से टाइम नहीं मिलता। बट लाहौर में पिछले 1 साल से आ रही थी, बट मैं किसी के साथ कर रही थी क्लिनिक। ओके, तो ये बन रहा था जिसमें इस वक्त आप हैं, 1 साल लगा। इस क्लिनिक की खूबसूरती तो अपनी जगह है, इसमें अलग क्या है, नया क्या? बहुत सारे प्रोसीजर्स नए हैं। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कोई बेईमानी के साथ यूज़ नहीं करते, उसमें कोई मसले नहीं करते, जो है वो बताते हैं जो करते हैं। और बहुत हर पेशेंट इज स्पेशल, स्पेशल पेशेंट्स नहीं है यहाँ कोई, हर पेशेंट स्पेशल। ओके, जब आप नहीं होंगी यहाँ पे तो कौन कौन लोग मौजूद होंगे? मेरे ट्रेन डॉक्टर्स हैं, मेरे ट्रेन थेरेपिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं, सारे माइंड हैं। यानी कि ये वेट नहीं करना पड़ेगा, अगर शाइस्ता नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट रुक जाए, बिल्कुल नहीं, कोई ये कहे कि अब क्या होगा, अब क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो समझे, जैसे दी एस्थेटिक की कराची में ब्रांचेस हैं, उसी का रेप्लिका है। अच्छा, वंडरफुल। तो एक काम करते हैं कि हमें आप विजिट कराएं, कोई नई मशीन चीजें हमें जरा गाइड करें, देखने वालों को भी बताएं। तो जनाब इतना खूबसूरत क्लिनिक है, वेल इक्विप्ड है, क्या क्या मशीन है, क्या क्या ट्रीटमेंट आप यहाँ आके करवा सकें सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। आए शाइस्ता, अच्छा यहाँ से जाना है? यहाँ से मेरे कमरे वहाँ से लॉबी से निकल के पूरा, अगर मैं आपको वहाँ से दिखा दूँ? नहीं नहीं, यहीं से दिखाते हैं। पहले हम ट्रीटमेंट रूम में चले जाते हैं। सो ये बेसिकली एक एरिया है जो जूनियर डॉक्टर्स का है, ठीक है, और यहाँ कंसल्टेशन होती है मेनली, फिर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट यहाँ आ जाते हैं। सो वी हैव 3-4 बेड्स हियर, यहाँ भी है एक छोटा सा रूम, तो ये इसमें CO2, लेजर हेयर रिमूवल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला होता है और मर्दों का भी होता है अब तो, गैर ज़रूरी जो बाल होते हैं उनको उनको सही करवाना, जैसे मर्द लोग अपनी बियर्ड बनवाते हैं, उनको होता है कि जी शेप बस यहाँ से यहाँ तक हो, ऊपर ना हो, तो वो शेपिंग भी होती है, बियर्ड शेपिंग भी। उसके साथ ख़वातीन के भी बॉडी लेजर्स होते हैं, बहुत ये हर खातून का प्रॉब्लम है आजकल, बिल्कुल, तो उसको रिमूव करना। फिर उसके बाद झाइयां, लाहौर में हमने देखा तो कराची में भी है, लेकिन झाइयां लाहौर में बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वेदर है, एक्सट्रीम वेदर है, लाहौर और उसके आसपास के जो लोग हैं, एरियाज हैं, वहां से आते हैं, तो एक्सट्रीम वेदर है। फिर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो कि मैंने सिंध में इतना नहीं देखा, इंटीरियर सिंध में है, कराची में नहीं है, बट ये यहाँ गोरे होने की जो क्रीम्स हैं वो बहुत लगाते हैं, वो बहुत लगाते हैं, तो उसके बाद वो जब छिल छिल के स्किन का हाल बुरा हो जाता है और झाइयां हो जाती हैं, और ख़वातीन खास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान या खून की कमी जिस भी दौरान में हो, स्टेज उनके लाइफ की कोई भी स्टेज हो, उस पर वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देती हैं। वो सबसे पहले आके ये कहती हैं कि हमारी ये झाई दूर कर दो। अब वो झाई क्या रीजन है ये ना बताना है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, बस मुझे गोरा कर।
ये मशीन क्या है? ये बेसिकली उन्हीं चीजों की मशीन है जैसे मैंने कहा लेजर हेयर रिमूवल है या बेसिकली पिगमेंटेशन है. पिगमेंटेशन यानी झाई अगर हो गई है तो उसको रिमूव करना है किसी तरह. इवन जो टैटूज होते हैं जो लोग बना लेते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं बाद में कि इसको हल्का कर दो हटा दो मुख्तलिफ नाम खुदवा लिए जाते हैं हाँ तो वो भी इस मशीन से जाते हैं. अच्छा स्किन ट्रीटमेंट में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं खवातीन हो आजाद उनके रिंकल्स नहीं आए पल एंटी एजिंग और हम हमेशा जवान नजर आए हाँ. उसके लिए कुछ चीजें हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं मशीन्स तो नहीं होती उसके लिए इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा होते हैं जैसे स्किन टाइटनिंग है तो वो हाइफू मशीन है हमारे पास उससे भी हो जाती है. लेकिन अगर सुपरफेशियल रिंकलिंग है तो उसके लिए आजकल तो प्रोफाइलो स्टेम सेल्स पीआरपी रिजुविनेशन ये बहुत सारी और ऐसी चीजें आ गई हैं. बस ये होना ये चाहिए कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जिस भी एस्थेटिक क्लिनिक में जा रहे हैं स्किन क्लिनिक में जा रहे हैं उसमें चीजें सही इस्तेमाल हो रही हैं और उसका आपको फायदा हो. ये कैसे पता चले कि डॉक्टर कितने ठीक हैं और जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें वो कितनी अच्छी है? देखो फर्क ये ना पेशेंट हमारा हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है. उसको पता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वो एक वक्त आ जाएगा आपके पास आपके नाम की वजह से क्लिनिक खूबसूरत है इस वजह से लेकिन वो दूसरे वक्त नहीं आएगा अगर आप उसको ट्रीटमेंट सही नहीं देंगे अगर उसको आपसे फायदा नहीं होगा तो पेशेंट तो. और बाय द वे जितनी कराची में डॉक्टर शॉपिंग होती है उससे कहीं ज्यादा लाहौर में डॉक्टर शॉपिंग होती है. वो हर जगह से गुजर के आ रहा है लिटरली वो हर जगह से. हम बिल्कुल समझते हैं ये एक नई चीज आई है डॉक्टर शॉपिंग. तो हम देखें हाइपो देखें मैंने वहाँ आपका एसएल कॉस्मेटिक का काउंटर भी देखा जी बेसिक्स एसएल बेसिक्स का वो भी हम आपको जरूर लेके जाएंगे. वी हैव अ स्मॉल रूम हियर एज वेल. ये एक मशीन है फरा दिस इज कॉल्ड आरएफ जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है दानों के बाद उसके स्कारिंग स्कार जो पिट्स या गड्ढे रह जाना या आपको आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या चिकन पॉक्स हुए हैं या कोई चोट लगी है सर्जिकल या वुंड स्कारिंग रह जाना अब उसको कैसे दोबारा भरना है वो उस मशीन से किया जाता है. ये सारे ट्रीटमेंट्स जो आप बता रही हैं कितने महंगे हैं? ये महंगे हैं अगर सही से महारत के साथ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स के साथ किए जाएं तो ये महंगे ट्रीटमेंट हैं. लेकिन देखें आप एक बात खुद सोचें वो सोशली एक तो एम्बेरसमेंट और अपना कॉन्फिडेंस खोना अगर स्कारिंग है आपके एक्ने हुआ है या कोई बचपन का कोई चोट है जिसका इतना बड़ा वुंड पड़ा हुआ है डीप पड़ा हुआ है वो अगर इन्हें बेहतर हो सकता है तो उसको क्यों नहीं कराया जाए. ठीक है आप कहीं जाते हैं अगर आपके बहुत एक्ने होती है तो आप जो बात मीटिंग में हो रही होती है आप उस पर फोकस के बजाय आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा असर क्या पड़ रहा होगा मेरे यहाँ ये वाला दाना बड़ा मोटा आ गया ये तो जिस तरह से आपका मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उसी तरह से आपकी कॉस्मेटिक हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल तो उसके लिए हम जरा एसएल बेसिक काउंटर पे भी चलते हैं. जी जी श्योर मैं आपको लेके चलती हूँ. सो वी हैव ये यहाँ एक सेटअप है जी और एक और जो आजकल हाइड्रा फेशियल एक बड़ा ही कोई जी 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 उसकी बड़ी हाइप है. जी 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 जी, जी, जी उसकी बड़ी हाइप है. ये तो लेजर हेयर रिमूवल है. ओके यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वो एक्सेसिव जो चाहे बॉडी लेजर हो चाहे फेशियल लेजर हो वो होता है और अगले रूम में जो आजकल बहुत मशहूर और मारूफ फेशियल चल रहा है लोग समझते हैं कि बस इस फेशियल के बाद तो दुनिया खत्म हो गई दुनिया सही हो गई ऐसा नहीं होता. इतना खूबसूरत लग रहा है ये तुमको लग रहा है किसी कॉस्मेटिक ब्रांड. ये बिल्कुल आप सही समझी है कॉस्मेटिक ब्रांड ही है. ये स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक ब्रांड है एसएल बेसिक्स जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेस्ड हैं इसकी और लेकिन इसके साथ साथ जो ये हलाल मेकअप है बाय द वे क्योंकि इसको मैंने टर्की से बनवाया. अच्छा यस इसमें बहुत सारी चीजें रॉ मटेरियल लेकिन सारी असेंबलिंग जो हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है. पाकिस्तान में हो रही है. और बाकी जो सारी हम प्रोडक्ट्स देखें बहुत सारी हैं इसमें मिस्ट हैं जो कि आप एज प्राइमर यूज करते हैं मेकअप फिक्सर के तौर पर यूज करते हैं और हमारे आजकल बालों का कितना ज्यादा प्रॉब्लम है. हाँ और आप एस्थेटिकली ट्रीटमेंट करा लें आप कोई और ट्रीटमेंट करा लें लेकिन ये हमारी नेशन की ना मतलब कहते हैं गुट्ठी में पड़ा हुआ है कि और लिटरली ये काम भी करता है
कि वो जो हम दादी अम्मा वाला ऑयल था ना, या वो आज भी बहुत चलता है और आज भी बहुत उसके, देखे ना रीठा आमला हमारी, हमने सुना है नानी अम्मा भगाती थी और ये करती थी और वो करती थी और बेरी का यूं करती थी, लेकिन एक्चुअली जब मैं इन सारी चीजों में पढ़ी तो मुझे पता चला कुछ और नहीं करती हैं अगर तो स्ट्रेंथन जरूर करती हैं। हमारे बाल क्या होते हैं, ड्राइनेस की वजह से टूटते बहुत हैं, तो वी हैव एसल बेसिक्स में हमारे पास आंवला ऑयल है और जिंजर ऑयल है जो बेसिकली बालों को नरिश भी करते हैं, और मोरिंगा ऑयल है। दुनिया भर में मोरिंगा पे आपको पता है बहुत रिसर्च हो रही है, आहान में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और ये एंटी कैंसरस भी है, प्लस ये एंटी ऑक्सीडेंट, यानी वो बाल जो आपके डैमेज हैं आप ब्लीच करते हैं और जितने केमिकल ट्रीटमेंट हैं, डाइज हैं और पता नहीं कौन सी हाइलाइट्स और लो लाइट्स और ये सब होती हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑयल उसका एक्सट्रैक्ट है। बड़ा मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है, आती रहूंगी इंशाल्लाह, मैं फिर आपको दिखाती भी रहूंगी कि क्या क्या हो रहा है, मैं क्या करवा रही हूँ। शास्त्री ये बताएं कि ये जो सारे हम एक विजिट करके ट्रीटमेंट देख के आई प्रोडक्ट देखे, आप खुद भी इस्तेमाल करें? ऑब्वियसली, वरना मैंने क्या करना, मैं अपने ब्रांड के चाहे वो कॉस्मेटिक एक्सपोज हुए हैं या आपको मैं मेरे अपनी फ्रटर्निटी में, हमारी शोबिस फ्रटर्निटी में बहुत सारे लोग यूज करते हैं और इसको बहुत पसंद किया गया है, तो ये हमारी हैवी बेस है, अब एक दफा लगा लें एंड देन ये मेरा बड़ा, मैं जिस इस प्रोडक्ट पे हॉट सेलर है एंड फख्र है एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मैंने कितनी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इसको फॉर्मुलेट करवाया था और बहुत दिन लगे थे मुझे इसको बैठ के बनवाने में, ये नहीं अब ये कर दो, अब इसमें ये ऐड कर दो, अब ये निकाल दो, लेकिन इसके रिजल्ट अल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छे रहे हैं। सो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं जिसमें कि आपकी कॉन्टोरिंग का शेड भी मौजूद है, तो न सिर्फ बेस बल्कि कॉन्टोर भी आप इससे कर सकते हैं। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में सबसे आपका जाती फेवरेट ट्रीटमेंट कौन सा, जो आप चाहती हैं कि हर महीने में करा लिया, 15-20 में करा लिया था? आजकल तो स्टेम सेल, स्टेम सेल एक्सोडर्म, उससे स्किन आपकी बहुत फ्रेश हो जाती है, हाँ उससे आपकी या प्रोफाइलो भी बहुत अच्छा है, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छा होता क्या है पर कि इट्स नॉट अबाउट एज, हमारा जो एनवायरमेंट है वो इतना कोई आप ये कह लीजिए पोल्यूटेड है, टॉक्सिफाइड है, कि हमारी अपनी बहुत यंग लड़कियों की मैं देखती हूँ स्किन पे भी सुपरफिशियल रिंकलिंग, ब्लेमिश, ये वो असरात बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रेस, नींद की कमी, गजा का सही नहीं होना, ये सारी चीजें जो हैं वो मिलकर स्किन को, चाहे बहुत यंग स्किन भी हो उसको भी फ्रेश नहीं रहते। तो कितने साल से एक्सोसोम्स या स्टेम सेल्स आपका, क्योंकि जो सेल है हमारा कोई भी, हाँ जिंदा सेल जो है उसकी दीवार में होता है, वो सेल्यूलर वॉल में एक्सोसोम्स होते हैं और वो उसको स्ट्रेंथ करते हैं, तो जैसे ही ये डलते हैं आपको अपनी स्किन में विद इन फ्यू आवर्स चेंज लगता है। मुझे एक आखिरी सवाल, क्योंकि इनके बहुत पेशेंट रहे हैं, शास्त्री को जाने हम अपने गप्पों में लगे, ये बताएं कि किस उम्र से हमें स्किन का, बालों का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करें? पहले साल से okay. वो सारी माएं जिनके बच्चे छोटे हैं, हम लोग समझते हैं बच्चों को क्या सनब्लॉक लगाना, यस बच्चों के लिए भी सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप उन्हें स्विमिंग पे लेके जाएं नहीं या नहीं लेकर जाएं, वो हमारी माएं धूप तो वो करवाती है ना, उनके धूप लगे, हाँ सनबादिंग, सुबह जल्दी वाली धूप 8-9 बजे वाली या शाम को 4-5 बजे वाली, उसमें भी इवन आपने छोटे बच्चे को सनब्लॉक लगाना है। वंडरफुल मीटिंग यू शास्त्रा, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई और इतने दिन बाद हमारी मुलाकात अब होती रही, अब आपको आना है, आओ लाजमी लाजमी। तो आप सबने भी देखा, आपने यहाँ आना है, ट्राई करना है डिफरेंट चीजें, प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी मैं रिकॉर्डिंग के बाद भी आके देखती हूँ, कुछ चीजें लेती हूँ और रिव्यू भी आपसे शेयर करूंगी। शाइस्ता बेस्ट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ आके मुझे तो बड़ी एक खुशगवार फीलिंग, और अगर मैं यहाँ आती रही और ट्रीटमेंट्स लेती रही वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जाते जाते मुझे दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह।